हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे और भी कुछ कोर्सेज पढ़ना चाहें तो उसके लिए आप मुझे unacademy.com पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा unacademy.com/user/kumarketan, या फिर आप unacademy का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और वहां पे आप मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी लेसन्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, वो सारे लेसन्स को पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। और हमारा आज का ये वीडियो इंग्लिश का वीडियो है, आर्टिकल पार्ट टू। आर्टिकल पार्ट वन मैं पहले ही बना चुकी हूँ, इसलिए ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम उसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक आर्टिकल पार्ट वन नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने तीन रूल बताया था पार्ट वन में, तो ये रूल नंबर फोर है कि इनडेफिनिट आर्टिकल इज़ ओमिटेड बिफोर द नेम्स ऑफ मेल, स्पोर्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा। तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसको हम ओमिट कर देते हैं। ओमिट करना मतलब हटा देते हैं किसके पहले, नेम्स ऑफ मील, मील्स के नेम के पहले, स्पोर्ट्स के नेम के पहले, एब्स्ट्रैक्ट्स नाउन के पहले, मटेरियल नाउन से पहले और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले। अब मील्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जांपल है, आई हैव अ ब्रेकफास्ट एट 7 AM, कि मैंने ब्रेकफास्ट किया 7 बजे। तो आई हैव अ ब्रेकफास्ट, यहाँ पे अ लगा हुआ है, ये अ गलत है, यहाँ पे अ का यूज़ नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मील के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड अ फ्लूट एट द म्यूजिक कॉन्सर्ट इन अ स्मॉल टाउन। तो अब यहाँ पे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड अ फ्लूट, फ्लूट क्या है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके पहले इसने क्या यूज़ किया है, इनडेफिनिट आर्टिकल, जो कि गलत है। तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, आई बॉट अ फ्लूट। अब यहाँ पे फ्लूट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया है, इससे एज अ ऑब्जेक्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, लेकिन इससे हम लोग कोई गेम नहीं, मतलब हम इसे बजा नहीं रहे इस समय हमने इसे ख़रीदा है। तो कितने फ्लूट ख़रीदा, एक फ्लूट ख़रीदा, तो इसमें ये फ्लूट के नंबर बता रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट क्या है, ही प्लेड अ फुटबॉल वेरी वेल, वो एक फुटबॉल बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। तो क्या वो एक ही फुटबॉल अच्छे से खेलेगा, नहीं, वो फुटबॉल अच्छे से खेलता है, इसलिए यहाँ पे जो ए का यूज़ है वो रॉन्ग है, ये सेंटेंस भी गलत। नेक्स्ट, ही बॉट अ फुटबॉल, उसने एक फुटबॉल खरीदी। अब यहाँ पे अ फुटबॉल, फुटबॉल किसकी तरह यूज़ हुआ, ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे कि अभी हम लोग आई बॉट अ फ्लूट देख रहे थे सेंटेंस नंबर थ्री। तो यहाँ पे भी फुटबॉल जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल के सारे रूल्स ख़त्म हो चुके हैं, अब हम शुरू करेंगे यूज़ ऑफ द। द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल, तो हम देखेंगे कि द कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट है, द मस्ट बी यूज बिफोर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। द का यूज़ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के पहले होना चाहिए। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसके पहले हमको द लगाना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिए, आई नो अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ। यहाँ पे आई नो अ डॉक्टर में ये और डॉक्टर बिल्कुल सही है, इसे हम गलत नहीं कह सकते कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जिसे तुम रेफ़र कर रहे हो। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आई नो यहाँ पे अ की जगह द आएगा, आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू हो जाएगा, क्योंकि मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जिसे तुम रेफ़र कर रहे हो, इसलिए हमारा आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू ये सेंटेंस गलत है, सॉरी गलत है, द आता तो सही हो जाता। अ लेडी इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज़ माई आंट, एक लेडी जो कि वहाँ कॉर्नर में बैठी है वो मेरी आंट है। तो यहाँ पर हम उस लेडी को स्पेसिफाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या था कि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के पहले द का यूज़, तो माई, वो लेडी को हम क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो मेरी क्या है, आंट है, इसीलिए यहाँ पे अ नहीं द लेडी होगा, द लेडी इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई आंट, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस द इम्प्रिजनमेंट ऑफ हिज ओन सन।
उस पिता के अंदर का जज उसके ऊपर हावी हो गया, मतलब जो ऐसा कुछ स्टोरी रही होगी कि किसी जज के सन ने क्राइम कर दिया, तो जज जो है उसका फैसला सुनाने के लिए वो फादर से पहले जज बना और उसने अपने बेटे को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो यहाँ पे जो जज है उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है, द जज इन हिम, तो यहाँ पे जज से पहले क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा, तो यहाँ पे पहले जज से पहले हम द यूज़ कर लेंगे और उसके बाद हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन अभी ये सेंटेंस गलत है। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। द मस्ट बी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंडस्केप्स एंड वाटर बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, डायरेक्शन, बुक्स, मोनूमेंट्स, डेजिग्नेशन, टाइटल, ऑर्डिनल नंबर, सुपरलेटिव डिग्री एट्सेट्रा। तो द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन रेंजेस के नेम से पहले, रिवर्स के नेम से पहले, अब रिवर्स में क्या क्या आ गए, ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंडस्केप एंड वाटर बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, डायरेक्शन, दिशा, बुक्स, किताबें, पुस्तकें, मोनूमेंट्स, डेजिग्नेशन, टाइटल, ऑर्डिनल नंबर, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। हेडमास्टर इंस्ट्रक्टेड ऑल द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल वेरी स्ट्रिक्टली। अब यहाँ पे हेडमास्टर क्या है, डेजिग्नेशन, पद है, इसीलिए हेडमास्टर से पहले क्या लगाएंगे हम लोग, द। तो द हेडमास्टर इंस्ट्रक्टेड ऑल द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल वेरी स्ट्रिक्टली, यहाँ पे द लगा देंगे तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, अभी ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, यू हैव स्कोर्ड सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर, तो इसके पहले क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा, तो यहाँ पे भी द लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, अभी ये सेंटेंस गलत है। तो ये हो गए इसके दो एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। आप अपनी, आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस करिए। आपको जो क्वेश्चन भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे। द इज़ यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री वेयर देयर इज़ अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। जो द है वो कंपैरेटिव डिग्री के पहले यूज़ होता है। अगर हम किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। When there is a sense of proportion, जब वहाँ पर कोई proportion का sense आए। आइए देखते हैं कैसे, examples के through समझते हैं। The higher we go, the cooler it is। यहाँ पर higher क्या है, आपकी comparative degree, तो the higher से पहले use हो रहा है, तो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही हमें ठंडा मिलेगा। और cooler भी क्या है, comparative degree, तो the जो है वो cooler से पहले use हुआ है, इसीलिए the higher we go, the cooler it is absolutely correct। Next देखिए, The more contented we are with what we have, the happiest we will be. The more contented, अब यहाँ पे more contented भी तो सुपर कंपरेटिव डिग्री ही है। जब हम more लगा देंगे किसी सेंटेंस वर्ड के आगे तो वो कंपरेटिव डिग्री में चला जाएगा। तो the more contented we are with what we have, the happiest we will be. जितने ज़्यादा हम संतुष्ट रहेंगे उस चीज़ से जो हमारे पास है, उतने ज़्यादा हम खुश रहेंगे। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ करेक्ट, सेकेंड पार्ट देखेंगे तो द हैप्पीएस्ट वी विल बी, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि द का यूज़ कॉम्परेटिव डिग्री में करना चाहिए जब वहाँ पे प्रपोर्शन का सेंस हो। तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट नहीं, क्या होगा, हैप्पियर। द मोर कंटेंटेड वी आर व्हाट वी हैव, द हैप्पियर वी विल बी, अभी ये सेंटेंस गलत है, हैप्पियर करने से वो सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट रूल देखेंगे। रूल से पहले एक स्ट्रक्चर देख लीजिए कि एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है ताकि अगर कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में आपसे डायरेक्ट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं उन्हें याद कर लेना ही अच्छा होता है। जैसे एक ये है, द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस नाउन प्लूरल। अब देखिए सबसे पहले द का यूज़ होगा, शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। अब यहाँ देखिए शी इसके बाद द, जैसे यहाँ पे द था, यहाँ भी द, यहाँ द, अब कॉम्परेटिव डिग्री, तो वाइसर इज़ कॉम्परेटिव डिग्री, ऑफ द टू, यहाँ भी ऑफ द टू, और फिर नाउन प्लूरल होगा, तो यहाँ भी नाउन क्या है, प्लूरल है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द टू गर्ल्स शी इज़ वाइजर, दोनों लड़कियों में शी इज़ वाइजर, वो वाइजर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। द इज़ यूज बिफोर कंट्रीज नेम स्टार्टिंग विथ यूनाइटेड। द उन कंट्रीज नेम के पहले लगेगा जिनकी की शुरुआत यूनाइटेड से हो रही हो। जैसे
डू दे लिव इन द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की शुरुआत यूनाइटेड से होती है, तो यूनाइटेड किंगडम के बाद के पहले क्या लगना चाहिए, द, और सेंटेंस में द लगा हुआ है इसलिए हमारी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. नेक्स्ट देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी स्टार्टिंग यूनाइटेड से हो रही है और इसके पहले भी द लगा हुआ है, तो हमारे ये सेंटेंस भी क्या है, बिल्कुल सही है. तो आज के लिए बस इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की भी कुछ, अभी कुछ रूल्स बाकी हैं आर्टिकल के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे की रूल्स देखेंगे. तब तक आप अच्छे से पढ़िए और कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें. Thanks for watching and keep watching.